हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब अपडेट की, जो कि आई है NCERT की तरफ से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली की तरफ से जो है एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो डिटेल में आपको बताऊँगा कि क्या कौन कौन सी जो है पोस्ट निकली हुई हैं, क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका पे स्केल है और क्या एज लिमिट है, सारी जो है हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए कम्प्लीटली अगर जानना चाहते हैं कि NCERT के अंदर कौन कौन सी जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो नेम ऑफ द पोस्ट है, एडिटर है, उर्दू लैंग्वेज के अंदर एक पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, जो कि OBC के लिए जो है रिजर्व है। और लेवल ऑफ पे इसमें जो है 7th जो लेवल है CPC का, यानी कि जो मैट्रिक्स लेवल है उसके अकॉर्डिंग, 7th लेवल के अकॉर्डिंग आपको 15,600 से 3,900 आपका जो है बेसिक, इनिशियल बेसिक आपकी रहने वाली है, ठीक है। और इसके लिए आपकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका होना चाहिए बुक पब्लिशिंग या मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, ठीक है। एज लिमिट जो है अप टू 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 1,000 रुपीज़ पे करने हैं जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स को, और फीमेल SC ST और एक्स सर्विस मैन या PWBD जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, बिजनेस मैनेजर की एक पोस्ट निकली हुई है जो कि अनरिजर्व है, सेम पे स्केल है इसका जो कि मैंने पहले बताया है आपको, 7th जो लेवल है पे मैट्रिक्स का उसके अकॉर्डिंग आपको पे मिलने वाली है। MBA आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ इस एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स रहने वाली है। फीस का जो स्ट्रक्चर सेम है, 1,000 रुपीज़ जनरल OBC और EWS के लिए, और फीमेल SC ST और PWBD जो कैंडिडेट्स है उसके लिए एग्जेम्प्टेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर, एक पोस्ट है, इसके लिए बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। और पे मैट्रिक्स सेम है अर्लियर जो मैंने बताया, 35 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर 4th नंबर पोस्ट है, एक पोस्ट OBC के लिए रिजर्व है, इसके लिए जो लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको जो है पे मिलने वाली है। एज लिमिट 35 ईयर्स है और असेंशियल क्वालिफिकेशंस में MBA आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर्स की एक पोस्ट निकली हुई है, इसमें आपका डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अगर आपने किया हुआ, प्लस 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए डिग्री होल्डर्स के लिए इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी, ठीक है। इसका जो आपका पे स्केल है वो लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, 15,600 से 3,900 आपकी इनिशियल बेसिक आपकी रहने वाली है, ठीक है। या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है आफ्टर +2, तो +8 ईयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिस्ट Grade 1 की पोस्ट निकली हुई है, एक पोस्ट है, डिग्री इन फाइन आर्ट्स या अप्लाइड आर्ट्स में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन असिस्टेंट की एक पोस्ट निकली हुई है, इसके लिए बैचलर्स डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए, इसके लिए फ़ीस थोड़ी सी कम है, 800 रुपीज़ आपको इसमें पे करने हैं। उसके बाद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली हुई है, एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए या EWS के लिए है। पे मैट्रिक्स का लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको पे मिलने वाली है, 9,300 से 34,800 आपकी जो इनिशियल बेसिक रहने वाली है, और डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस 3 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस आपका सेल्स एंड सेल्स प्रमोशन में आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, कॉपी होल्डर की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, जिसके लिए 12th पास कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर टाइपिंग और MS के आपको जो है इसमें नॉलेज होनी चाहिए, MS ऑफिस की। इसका जो पे स्केल है 5,200 से 20,200 इसमें रहने वाला है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी पोस्ट के लिए आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, www.ncert.nic.in पे जाके आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है वो आपकी क्या रहने वाली है, इसमें जो है लिखा हुआ है कि लेटर ऑन आपको बताया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, प्रोफिशिएंसी या ट्रेड टेस्ट आपका हो सकता है, वेयर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो
तो ये इसके अंदर जो है बेसिक डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताई है। फर्दर अगर और भी आपको जो है इसके बारे में पता करना है तो ये एडवर्टाइजमेंट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपलोड कर दूंगा वहाँ से आप जो इसको एक बार देख लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं इन पोस्टों के लिए, क्योंकि पे स्केल बहुत अच्छा है और NCERT का जो जॉब है वो बहुत ही अच्छी जॉब है। इसके लिए आप जो है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो इस जॉब अपडेट में इतना ही। अगर अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।